किसान भाइयों फिर से आ गए हैं एक नई जानकारी के साथ आपके बीच में। मेरा नाम है पंकज तिवारी और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पंकज की किसान पाठशाला में। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि परवर की खेती कैसे की जाती है, परवर को लगाया कैसे जाता है। बहुत सारे किसान भाइयों का एक कमेंट आया था कि परवर के बारे में बताइए कि परवर का बीज लगता है या परवर की डाल लगती है या परवर का जड़ लगता है, क्या लगता है परवर का। तो किसान भाइयों, आज इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और संपूर्ण जानकारी आपको 2 मिनट के अंदर इसी वीडियो में मिलने वाली है। जैसे कि आप किसान भाइयों ये देख रहे हैं, ये परवर की डाल है। इसको हम किस प्रकार से ले आए थे वहाँ से खेत से उखाड़ के, तो उसको भी हमने, वो आप देख रहे हैं कि हमने इसे किस प्रकार से उखाड़ा था। उसके बाद इसको ले आके इस प्रकार से इसको फोल्ड कर लिए। फोल्ड करने के बाद इसको इसी डाल से ऐसे बीच में बांध दिए। अब ये लगभग 1 फीट का है, इसे 4-5 फोल्ड का है। तो इसको लगाने के 2 तरीके हैं किसान भाई, इसको लगाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि इसको आप ऐसे ज़मीन में ऐसे गड्ढा खोदिए छोटा सा, ऐसे ज़मीन में रख दीजिए और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मिट्टी से बंद कर दीजिए। दूसरा आसान तरीका है, एक गड्ढा खोदिए, उसमें आप यहाँ से यहाँ तक आधा इसको बंद कर दीजिए। चलिए आपको हम खेत में दिखाते हैं तो ज़्यादा समझ में ये बात आएगी। किसान भाइयों, जैसे कि आपको हमने बताया था कि इसको लगाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है आप इसको इस प्रकार से रख के और इसमें आप ऐसे मिट्टी डाल दीजिए, तब भी जो है ये लग जाएगा और उसके बाद इसमें 1 गिलास पानी डाल दीजिए। और दूसरा तरीका है किसान भाइयों कि इसको जो है इस प्रकार से रख के और इसको इस प्रकार से आप लगा दीजिए, ये इस स्थिति में भी लग जाता है। हम परवर के बारे में आपको और जानकारी दे देते हैं कि परवर जो है वो सितंबर अक्टूबर नवंबर के महीने में लगाया जाता है और ये जो है लगभग अप्रैल से मई के बीच में फल देना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद ये लगभग 4 महीने तक चलता है। उसके बाद फिर ये जो है जो इसकी जड़ें हैं उसको छोड़ के बाकी पौधे काट के फेंक देते हैं, किसी अन्य व्यक्ति को दे देते हैं जिसको उसकी ज़रूरत है। इसके पौधे बिक भी जाते हैं और उसके बाद आप इसमें सरसों की फसल कर सकते हैं, मटर कर सकते हैं, जो भी फसल इस समय पैदा होती है उस फसल को आप इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद जब मार्च अप्रैल का महीना आता है तो फिर इसमें कल्ले निकलते हैं और ये फिर से ग्रोथ करता है और फिर से ये फल देना स्टार्ट कर देता है। किसान भाइयों, परवर के बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी एक बेसिक जानकारी जो हम परवर अपने खेत में लगा रहे हैं तो आपको इसकी वीडियो तो मिलती ही रहेगी, एक बेसिक जानकारी हमने आपको दे दिया। सभी किसान भाइयों को पंकज तिवारी का नमस्कार। किसान भाइयों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक किया करिए और कमेंट करके हमसे पूछा भी करिए, जिससे कि हमारा भी जो हौसला है वो बढ़ता रहे। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। इसमें किसान भाइयों यहाँ पे जो है इसमें पानी डाल देते हैं, 1 गिलास पानी 2 गिलास पानी डाल दें, जिससे कि जो ये पौधा है इसमें मिट्टी चिपक जाए और इसमें जड़ जो है वो बनने लगे। उसके बाद इसको जो है ये हमारे यहाँ पैरा बोलते हैं, आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं, ये धान का है और ये धान का जो दाया जाता जो कंबाइन मशीन से कटता है ये उसका है, जिससे कि ये आसानी से इस प्रकार से इसको ढक देते हैं और जब इसमें गर्मी पड़ेगी तब फिर ये जो है ये इसमें कल्ले आएंगे और फिर इसका काम स्टार्ट होगा।